उत्तराखंड के टिहरी बांध के बढ़ते जलस्तर को लेकर ग्रामीणों ने झील के किनारे धरना प्रदर्शन शुरू किया। ग्रामीणों का कहना है कि टिहरी झील का जलस्तर बढ़ने के कारण गांव के 35 घरों के लिए खतरा बना हुआ है, लेकिन विस्थापन के लिए किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार विस्थापन की मांग कर रहे हैं। सूचना मिलने पर तहसीलदार महेंद्र बिष्ट पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। ग्रामीणों ने मांगे पूरी नहीं होने पर जल्द समाधि लेने की चेतावनी दी है। गांव के ग्रामीण यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हैं और ग्रामीणों की मांग है कि हमारे गांव का जो ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है उससे सभी ग्रामीण सहमत नहीं है और उनका कहना है कि ड्रोन सर्वे के नाम पे शासन प्रशासन के द्वारा हम सबको गुमराह किया जा रहा है और भ्रमित किया जा रहा है। और शासन प्रशासन की मंशा ड्रोन सर्वे कराने के पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ रुपये के बजट को ठिकाने लगाने की है। ऋषिकेश में एम्स रोड पर कई वर्षों से काबिज अवैध खोखे को आखिरकार नगर निगम की टीम ने ध्वस्त कर दिया है। कार्रवाई के दौरान अवैध खोखे के संचालक और सहयोगियों ने विरोध करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कागजों में जमीन नगर निगम के नाम दर्ज होने की जानकारी देकर खोखे को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमणकारी को दोबारा से कब्जा नहीं करने की हिदायत भी दी है। यदि फिर से कब्जा करने की कोशिश होगी तो संबंधित खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। बता दें कि जिस व्यक्ति ने अवैध रूप से कब्जा कर खोखा रखा था वह शराब बिक्री के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है और लगातार उस पर शराब बिक्री करने के आरोप वर्तमान में भी लगते रहे हैं। समाज सेवियों ने भी RTI लगाकर इस खोखे को ध्वस्त करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। खबर देहरादून से, जहां एक कार में 2 लोगों का शव बरामद किया गया, जिसमें से 1 महिला और 1 पुरुष का शव मिला। राजपुर पुलिस ने जब शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा तब मौत के कारणों का पता चला। इसके संबंध में SSP देहरादून अजय सिंह ने बताया कि बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बढ़ने से मौत हुई है। उन्होंने बताया कि कार के शीशे बंद करके अंदर दोनों सो गए थे, जिसके चलते दोनों का दम घुटने से मौत हो गई। थाना क्षेत्र में जो सहसधारा हेलीपैड है वहाँ एक रास्ता जाता है, वहाँ पर जो है एक कार में स्पॉट किया था, एक महिला और पुरुष थे और जिनकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि जब पुलिस वहाँ पहुँची तो कार का इग्निशन ऑन था उसमें। इसके बाद FSL टीम को बुलाया गया, पूरा गाड़ी का निरीक्षण भी किया गया था। कोई इसमें बॉडी पर कहीं कोई जाहिरा चोट और कहीं कोई संदिग्धता प्रकट नहीं हो रही थी। पोस्टमार्टम के लिए जब डेड बॉडी को भेजा गया था तो पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट जो प्राप्त हुई है किसी भी जाहिरा चोट या किसी अन्य तरह से मृत्यु होने प्रतीत नहीं हुआ है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास नली में जैसे मैंने बताया कि उसमें ट्रेसेस पाए गए हैं तो वो FSL को भेजा जाएगा। अभी भी जो डॉक्टर जानकारी की गई वो इसी तरह का एक घटनाक्रम अभी तक प्रकाश में आता है, क्योंकि कहीं और कोई संदिग्धता इस मैटर में अभी तक निश्चित। और बता दें कि देहरादून से खबर बता रहे, जहां पर कार के शीशे में 2 दंपत्ति सो गए, कार को बंद करके 2 दंपत्ति सो गए और मौत के कारणों को कार्बन मोनोऑक्साइड से गैस बनी, जिसके कारण दोनों दंपत्ति की मौत हो गई, जिसके बाद SSP अजय सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया। देहरादून सहित देशभर में 6 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 30 अगस्त को पासपोर्ट से जुड़े काम नहीं होंगे। पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट का डाटाबेस अपडेट होने के कारण क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की ओर से इस दिन के अपॉइंटमेंट की तारीखें आगे शिफ्ट की जाएगी। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने बताया कि देशभर के सभी पासपोर्ट सेवा केंद्रों में डाटाबेस अपडेट हो रहा है। इसके चलते देहरादून समेत अल्मोड़ा, काठगोदाम, नैनीताल, रुद्रपुर, रुड़की और श्रीनगर केंद्र में 30 अगस्त को सेवाएं बंद रहेगी। आवेदकों ने 30 अगस्त का अपॉइंटमेंट पहले कंफर्म रूप से ले रखा है, उनकी सुविधा के लिए उनके अपॉइंटमेंट को हम उससे अगले वाले शनिवार यानी कि 7 सितंबर को शिफ्ट कर रहे हैं और इसके लिए उनको SMS से सूचित भी किया जाएगा। और पासपोर्ट सेवा केंद्र देहरादून, जहाँ तक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय देहरादून का सवाल है, हमारे पास 1 सेवा केंद्र है तो 30 के जितने सारे अपॉइंटमेंट हैं वो अगले वाले सैटरडे
अर्थात 7 सितंबर को होंगे, और जो हमारे 6 और पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं उनके अपॉइंटमेंट को उससे अगले वाले हफ्ते में। 31 जुलाई को रुद्रप्रयाग जनपद में हुई अतिवृष्टि के बाद उत्तराखंड प्रशासन तेज गति से केदारनाथ यात्रा मार्ग को सुचारू करने में जुटा हुआ है। आपदा प्रबंधक सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्गों के अधिकांश रास्तों को दुरुस्त कर दिया गया है और केदारनाथ पैदल यात्रा गतिमान है और 150 से 200 श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 300 कर्मचारियों की केदारनाथ मार्ग पर तैनाती की गई है जो मार्गों को खोलने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। जुलाई के आपदा के उपरांत काफी क्षति हुई थी जिसमें से काफी रास्तों को ठीक कर लिया गया है और सबको पैदल चलने लायक बना लिया गया है, तो आवाजाही लोगों की जारी है। अगर बरसात नहीं हो रही है तो आवागमन किया जा सकता है। उसमें बरसात के दौरान पत्थर गिरते हैं तो उस समय यात्रा करना खतरनाक हो सकता है, तो उसको छोड़ के बाकी यात्रा के लिए मार्ग जो खुल गया है इसमें लोगों का आवागमन भी हो रहा है। घोड़े खच्चर भी जा रहे हैं, स्थानीय लोग भी जा रहे हैं, कुछ यात्री भी पर डे 100, 150, 200 तक यात्री भी जा रहे हैं। तो इस तरह से यात्रा कुछ हद तक सुचारू हो गई है। रास्ते अभी पूरी तरह से नहीं बने हैं, रास्तों को खोल दिया गया है टेम्परेरी, बाकी इसमें स्थायी रूप से खोलने के लिए कार्रवाई चल रही है। उत्तराखंड में लगातार मानसून के चलते सड़कों पर गहरे गड्ढे होने के कारण सड़कें खराब हो गई है, जिसको लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने बैठक की। उन्होंने बताया कि अभी पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें बंद है और उनमें से अधिकतर सड़कें खोली जाएंगी। हाईवे पर जमे लंबे मलबे को हटाने का काम जारी है, वहां कई मार्गों पर ट्रैफिक को डायवर्ट भी किया गया है। कि जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से पीडब्ल्यूडी की कुल 83 सड़कें हैं, 83 सड़कें हैं जो बंद हैं और उसमें से मैक्सिमम लोग आज खोल लेंगे शाम तक। इसमें कुछ ऐसी सड़कें हैं जो ग्रामीण सड़कें हैं, उसमें 86 हैं जो पीएमजीएसवाई से रिलेटेड सड़कें हैं, तो टोटल 83 और 86 सड़कें हैं जो आज सुबह के हिसाब से बंद हैं। इसमें एक NH है जो बद्रीनाथ धाम को जाता है, उसमें नंदप्रयाग के पास में पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा मलबा और पत्थर आ रहे हैं जिसपे लगातार काम चल रहा है, मशीनें भी काम कर रही हैं, लेकिन हम 4 दिन में उसको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाए हैं। उसका अल्टरनेटिव रूट पे हम लोग ट्रैफिक हमने डाइवर्ट कर रखा है। देहरादून के राज्य ओबीसी आयोग कार्यालय में बैठक की गई जिसमें आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कई मामलों पर सुनवाई भी की गई। वहीं उन्होंने कहा कि कुछ मामले शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के हैं जिन पर अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई आयोजित की गई और उसमें अभी इस महीने हमारे यहाँ लगभग 10 केस हमारे यहाँ थे जिनमें हमने कुछ केसों में कोर्ट में ही निस्तारण किया है और कुछ मामलों में जैसे क्या कहते हैं स्वास्थ्य विभाग के हैं और 2-3 मामले शिक्षा विभाग में भी कुछ अधिकारियों के खिलाफ हमने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं और अन्य विभागों में जैसे अपना युवा कल्याण है, PRD के माध्यम से भी वहाँ पर कुछ लोगों को का कोई प्रकरण था तो उसमें भी हमने आदेश किया है समय पर हर महीने यहाँ पर पिछड़ा वर्ग आयोग। देहरादून के IRTT के सभागार में भाजपा सदस्यता अभियान 2024 संयुक्त मोर्चा की बैठक का आयोजन हुआ जिसमें उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सम्मान नागरिकता संहिता विधेयक जल्द ही लागू किया जाएगा, हमने इसे 9 नवंबर से पहले राज्य में लागू करने का संकल्प लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जो हमारी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। पार्टी की प्राथमिकता के आधार पर उन्हें जोड़ने का काम किया जाएगा। हर विधायक को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे कार्यकर्ताओं को जोड़े। सीएम धामी ने बताया कि पीएम मोदी पहले सदस्य बनेंगे, ये प्रतीक होगा कि पार्टी का हर सदस्य महत्वपूर्ण है।
और वही देहरादून में भाजपा सदस्यता अभियान 2024 ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े जो हमारी विचारधारा में विश्वास रखते हैं और राष्ट्र और समाज के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं। उन सबको हमने पार्टी से प्राथमिकता के आधार पर जुड़ने का काम करना है। मुझे खुशी है कि संगठन द्वारा हर विधायक को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने चुनाव में मिले मतों के बराबर कार्यकर्ता जोड़े। ये अपने आप में एक अनूठी पहल है कि सभी को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, सभी को जिम्मेदार बनाया गया है। जो श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के कथन को चरितार्थ करने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। आज हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की आवश्यकता भी है जो निष्ठावान हों, समर्पित हों और सेवा भावना से प्रेरित होकर संगठन के लिए कार्य करना चाहते हैं। आप सभी कार्यकर्ता भाई बहन, ये जो अभियान है, इस अभियान की आप सब रीढ़ है और आपका समर्पण, आपका परिश्रम, ये निश्चित रूप से हमारी पार्टी को एक बड़ा आधार, एक बड़ी मजबूती देने का काम करेगा। और देवभूमि से इसकी शुरुआत होनी चाहिए ताकि माँ गंगा, यमुना और हिमालय की तरह पूरे भारत में इसका विस्तार हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पहले सदस्य बनेंगे, उस दिन जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनको सदस्य बनाएंगे और ये केवल एक औपचारिकता नहीं होगी बल्कि एक प्रतीक होगा कि हमारी पार्टी का हर एक सदस्य कितना महत्वपूर्ण है। देहरादून के हिमालय क्षेत्रों में मौजूद हिमनद झीलों को लेकर केंद्र सरकार काफी संवेदनशील है। इसके लिए 150 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं जिससे एक्सपर्ट की टीम इन झीलों का अध्ययन करने के साथ साथ ट्रीटमेंट करेगी। इसी के चलते अन्य राज्यों की तरह ही उत्तराखंड में भी 5 हिमनद झीलों के अध्ययन के लिए कहा गया है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में हिमनद झील विस्फोट से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी दी है। विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंचकर खतरे का आंकलन करेंगी। झीलों और निचले इलाकों में स्वचालित मौसम और जल स्तर के लिए निगरानी स्टेशन और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करेगी। रास्ता अभी भी संवेदनशील है, कहने में कोई हमें गुरेज नहीं है, लेकिन बरसात को छोड़ दें, जब बरसात हो रही उसमें बहुत सुरक्षित नहीं है, बाकी इसमें सुरक्षित रहता है। तो सुरक्षित यात्रा में, रास्ते में यात्रा करने में कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, यात्रा की जा सकती है, लोग जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 3 धाम हमारे यात्री रोजाना जा रहे हैं, बड़ी संख्या में जा रहे हैं, और केदारनाथ जी में यात्री हमारे 100 से 150, 200, 300 तक जा रहे हैं। लेकिन जब बरसात होती है उस समय यात्रा करना बहुत अच्छा नहीं होता, सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि पत्थर गिरते हैं, मलबा गिरते रहते हैं, उस समय को छोड़कर यात्रा की जा सकती है। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर थम गया है, जहां देहरादून समेत ज्यादातर क्षेत्रों में तेज धूप खिल रही है और अधिकतम तापमान बढ़ने से गर्मी में भी इजाफा हुआ है। प्रदेश में अगले कुछ दिन तीव्र बौछारों के दौरान होने की आशंका है। और वही अब जो है उत्तराखंड में 8 जिलों में मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद अब उत्तराखंड में जो है बारिश थम सी गई है, तो वहीं बारिश थमने से जो है तापमान में जो इजाफा हुआ है और गर्मी भी अब ज्यादा बढ़ गई है। पौड़ी जिले के लेसटाउन विधानसभा क्षेत्र के एरियल डिस्टेंस में आने वाले रखड़ीखाल ब्लॉक के गुलदार प्रभावित क्षेत्र में वन विभाग की गश्त जारी रहेगी। हालांकि 26 अगस्त को एक गुलदार के ट्रैप हो जाने के बाद उसे पोखड़ा रेंज भेज दिया गया, लेकिन अभी भी वन विभाग की गश्त जारी है। बताया गया है कि जब तक प्रभावित क्षेत्र में सामान्य स्थिति नहीं हो जाती या गुलदारों का देखा जाना बंद नहीं होता, तब तक वन विभाग के वनकर्मी अपने गश्त क्षेत्र में बनाए रखेंगे। प्रभागीय वन अधिकारी
स्वप्निल अनिरुद्ध ने कहा कि ग्रामीणों को भी गुलदार की उपस्थिति को लेकर सजग रहना चाहिए। अकेले जंगल की सीमा में प्रवेश करने व देर रात घर से बाहर निकलने में परहेज करना चाहिए। वे मामले को लेकर क्षेत्रवासियों ने देवियोखाल तिराहे पर धरना प्रदर्शन कर क्षेत्रवासियों को गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग उठाई है। इस दौरान ग्रामीणों ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और पहाड़ी क्षेत्र को लेकर अधिनियम में बदलाव करते हुए ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। इस दौरान पानीसेन रिखड़ी खाल तथा देवी ख्योल में व्यापारिक प्रतिष्ठान विरोध स्वरूप बंद रहे। हल्द्वानी में बदहाल पड़े पार्क जल्द बेहद खूबसूरत नजर आ सकते हैं। नैनीताल रोड पर कई पार्क ऐसे हैं जो नगर निगम हल्द्वानी के स्वामित्व के हैं, लेकिन बदहाल हालत में पड़े हुए हैं। शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए इन पार्कों को एक नया सर्वे कराया गया है और DPR तैयार कराई जा रही है, जिससे इन पार्कों को हरा भरा करने का काम किया जाना है। इसके अलावा पार्कों का सौंदर्यकरण, टूट फूट रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रख रखाव की योजना भी तैयार की जा रही है, जिसमें निगम की आमदनी भी बढ़ सकेगी। दल रोड है, उसमें काफी सारे पार्क हैं नगर निगम के स्वामित्व के, उनकी स्थिति खराब हो गई है, थोड़ा देखरेख का अभाव भी है और संसाधनों की समस्या भी निगम को रहती है। तो हम लोग एक विस्तृत सर्वे हमने कराया था और DPR हम इसकी प्रिपेयर करवा रहे हैं, जो इसमें ग्रीनरी के काम हो सकते हैं, कुछ पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, जो कमिश्नर साहब के भी दिशा निर्देश थे कि क्रीपर्स वगैरह लगाए जाने हैं, उस पर भी होमवर्क चल रहा है। साथ ही इनके सुदृढ़ीकरण के लिए, जहाँ टूट फूट हो गई है, कहीं इंक्रोचमेंट हो गया है, कहीं मरम्मत की जानी है, पानी डालने के लिए इरिगेशन के लिए भी उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम्स हैं, इस सब को इंक्लूड करते हुए एक सौंदर्यीकरण के लिए और सुदृढ़ीकरण के लिए एक DPR हम लोग